हेलो साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एमएस वर्ड में A5 साइज़ का इनवॉइस कैसे बनाते हैं, इस बारे में सीखेंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ इस तरह का बिल बनाने वाले हैं। इस बिल का जो साइज़ है वो हमने A5 रखा हुआ है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम एमएस वर्ड में नया पेज ओपन कर लेते हैं। नया पेज ओपन करने के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ एन बटन दबाना है। कंट्रोल एन दबाकर आप एमएस वर्ड में नया पेज ओपन कर सकते हैं। A5 साइज का इनवॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने पेज की सेटिंग करनी होगी। पेज की सेटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले पेज लेआउट वाले टैब पर जाना होगा। पेज लेआउट वाले टैब पर क्लिक करके आपको जाना है साइज वाले ऑप्शन पर। यहाँ पे आपको A5 जो है ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप पेज का साइज A5 कर लेंगे। उसके बाद वापस से आपको पेज लेआउट वाले टैब पर आना है और मार्जिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से तीसरे नंबर का नैरो जो मार्जिन है इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो अब हमारे पास हमारा जो इनवॉइस का साइज है वो बनकर तैयार है। अब इसमें हम इनवॉइस का डिज़ाइन तैयार करेंगे। अभी थोड़ी सी देर के लिए इसे हम थोड़ा सा पेज को जूम आउट कर लेते हैं ताकि थोड़ा पूरा जो हमारा पेज है वो हमें दिखाई दे। कुछ इस तरह से हमारा जो A5 साइज का पेज होता है वो इस तरह है। अब हमें इस पेज पर बॉर्डर लगाना है। पेज पर बॉर्डर लगाने के लिए आपको पेज लेआउट टैब पर ही आना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है पेज बॉर्डर का। पेज बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपको बॉक्स ऑप्शन मिल जाता है, इसे सिलेक्ट करें और यहाँ से ये जो हमारा बॉर्डर है इसकी विड्थ जो है हम बढ़ा लेंगे। मैं 3 पॉइंट ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो ठीक समझें वो ले लीजिएगा और इसे ओके प्रेस कर देते हैं। तो हमारे पेज पर बॉर्डर लगकर तैयार है। अब हमें इस पेज पर एक टेबल बनाना है। टेबल को बनाने के लिए हमें इंसर्ट टैब पर जाना होगा। इंसर्ट टैब पर जाएं और टेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अब हम यहाँ पे 5 रो और 4 कॉलम सिलेक्ट करेंगे। ध्यान से सुनना है साथियों, 5 रो 4 कॉलम। तो कुछ इस तरह से हमारा टेबल जो है हमारे पेज पर आ जाता है। अब हमें अपना जो माउस पॉइंटर है उस पहले वाले जो कॉलम में रो है उस पर क्लिक करें और ध्यान से आप अपना माउस का कर्सर इस वाले एक तो ये जो लाइन है ये और दूसरी लाइन ये, इस लाइन पे आप अपने माउस से कर्सर को लाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन दबाकर इसे नीचे को ड्रैग करेंगे कुछ इस तरह से। अब हम पेज को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमें काम करने में आसानी हो। जूम बार पे आके इसे आप पेज को जूम कर सकते हैं। अब हमें यहाँ से इरेजर टूल को ले लेना है। ध्यान रखना है साथियों कि आपको ये इरेजर टूल जब ही मिलेगा जब आप टेबल के अंदर क्लिक करके रखेंगे। यदि आप टेबल के बाहर होते हैं तो आपको यहाँ पे इरेजर का टूल नहीं मिलेगा। इरेजर का टूल लेने के लिए आपको टेबल के अंदर क्लिक करके रखना है, तब आपको यहाँ पे डिजाइन टेबल मिल जाएगा और यहाँ से आप इरेजर टूल को ले सकते हैं। इरेजर टूल को लेने के बाद आपका जो माउस का कर्सर है वो कुछ इस तरह से इरेजर में चेंज हो जाता है। अब हमें इन 3 लाइनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। अब ये पूरी हमारी एक रो तैयार है। इसमें हम ऊपर का मैटर टाइप करेंगे। एक बार कीबोर्ड से बाहर आकर क्लिक करें। अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट को लिखने के लिए इंसर्ट टैब पर जाएंगे और यहाँ से शेप ऑप्शन पर आकर यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद
हमें ऊपर की लाइन टैप करनी है, तो सबसे पहले हम अपना एक टेक्स्ट बॉक्स जो है ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स आकर तैयार है। मैं मंगल फॉन्ट का यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो आपके लैपटॉप में पीसी में जो भी फॉन्ट हो उसे ही यूज़ कर सकते हैं। मैं मंगल फॉन्ट को एनेबल कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे ऊपर का जो मैटर है उसे टाइप करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे दुकानदार का नाम लिखेंगे, दुकानदार का नाम हो गया। अब थोड़ा सा बीचों बीच में आएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे ये, यह हमने यहाँ पे टाइप कर दिया श्री गणेशाय नमः। अब थोड़ा स्पेस बटन दबाकर बिल्कुल कोने पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें डालना है मोबाइल नंबर। मैं कुछ भी ऐसे ही रैंडम नंबर डाल देता हूँ। थोड़ा सा आगे आ गया, तो इस तरह हम इसे बैक करके इस तरह से इसको विजिबल कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे ऊपर की लाइन टाइप कर ली है। अब हमें ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स था, इसका ये जो आउटलाइन है इसे हटाना है क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो आउटलाइन को हटाने के लिए इस आउटलाइन पर क्लिक करें। आउटलाइन पर क्लिक करते ही आपको फॉर्मेट का ऑप्शन जो है विजिबल हो जाता है। यहाँ पर आपको ठीक इसके नीचे मिल जाएगा शेप फिल, इस पर क्लिक करके आप नो फिल को सिलेक्ट करें और उसके ठीक नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है शेप आउटलाइन। यहाँ पर आकर आप नो आउटलाइन पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स था उसकी आउटलाइन हट गई है। हमारे जो फॉन्ट है थोड़ा उसे और आकर्षित बनाने के लिए हम सबसे पहले इसे सिलेक्ट करते हैं और होम टैब पर आकर मैं यहाँ से कोकिला फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आप देखेंगे हमारा जो फॉन्ट है वो कुछ आकर्षित लगने लगेगा। फॉन्ट का साइज छोटा हो गया तो हम यहाँ से इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब बोल्ड बटन पे जाकर क्लिक करके इसे बोल्ड कर लेते हैं। पोजीशन सेट कर लीजिएगा। अब बाहर क्लिक करके देखते हैं तो आप देखेंगे हमारी जो पहली लाइन है वो टाइप हो गई है और अच्छी भी लग रही है। अब हमें जो है हमारी दुकान का जो नाम है उसे टाइप करना है। तो टाइप करने के लिए फिर से हम इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट टैब पर जाकर आपको शेप ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है और टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। दुकान का नाम बीच बीच में लिखा जाता है तो आपको इस तरह से बॉक्स तैयार कर लेना है और दुकान का नाम टाइप करेंगे। मैं यहाँ पे दुकान का नाम टाइप कर लेता हूँ तिरुपति साड़ी सेंटर। कंट्रोल ई दबाकर इसे सेंटर में ले आएंगे और इसे सिलेक्ट करके होम टैब पर जाकर कोकिला फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसका साइज बड़ा कर लेंगे। अगर आपके पास जगह कम पड़े तो आप इस पॉइंट को पढ़कर इस तरह से जगह को बढ़ा सकते हैं और इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से इसे बोल्ड कर लेते हैं। और इस बॉक्स की जो आउटलाइन है इसे हटाने के लिए आउटलाइन पर क्लिक करें, फॉर्मेट टैब पर आएं और उसके ठीक नीचे वाले ऑप्शन पर नो फिल को सिलेक्ट करें और शेप लाउट आउटलाइन वाले ऑप्शन पर आकर भी नो आउटलाइन को सिलेक्ट करें। तो इस तरह जो हमारा दुकान का नाम है ये भी टाइप होकर तैयार है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्क की ओर। अब जो हमें नेक्स्ट काम करना है वो नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स और लेंगे और उस पर दुकान का पता टाइप करेंगे। शेप्स पर आएं और टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करें। अब हम यहाँ पे दुकान का पता डाल लेते हैं। कंट्रोल ई दबा कर सिलेक्ट इसे सेंटर में कर लीजिएगा और सिलेक्ट करके होम पर जाकर कोकिला फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इंक्रीज्ड फॉन्ट पर आकर इसका फॉन्ट का साइज बढ़ा लेते हैं और बोल्ड बटन पर क्लिक करके या कीबोर्ड से कंट्रोल बी दबाकर भी आप इसे बोल्ड कर सकते हैं। और इस जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसकी भी हम आउटलाइन को हटा लेते हैं। फॉर्मेट टैब पर क्लिक करें, शेप आउटलाइन पर जाकर नो आउटलाइन को क्लिक करें। तो ये हमारा एड्रेस का जो काम है ये भी पूरा हो गया है। अभी हम नीचे टाइप करेंगे, थोड़ा नीचे हमारे पास जगह कम है तो यहाँ पे हम इस वाले रो की लाइन को सिलेक्ट करके इसे नीचे की ओर खींच लेते हैं। अब हमें नया टेक्स्ट बॉक्स लेना है। इंसर्ट टैब पर जाएं, शेप्स ऑप्शन पर क्लिक करें, टेक्स्ट बॉक्स को लें और हम इसके नीचे एक लाइन अभी और टाइप करेंगे जहां पर हम लिखेंगे कि हमारे यहां साड़ियां किस तरह की मिल रही हैं। तो यहां पे हम टाइप कर लेते हैं, हमारे यहां समस्त प्रकार की फैंसी साड़ियाँ मिलती है। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करें और होम टैब पर आकर कोकिला फॉन्ट को सिलेक्ट करें और फॉन्ट का साइज बढ़ा लें कुछ इस तरह। और पूर्ण विराम लगा लेते हैं, कंट्रोल ए दबाकर कंट्रोल बी दबाएं और उसे बोल्ड कर लें। और इसकी आउटलाइन को हटाने के लिए फॉर्मेट टैब पर आकर शेप फिल पे आकर नो फिल करें और शेप आउटलाइन वाले बॉक्स पे आकर नो आउटलाइन को सिलेक्ट करके इसकी आउटलाइन को हम हटा सकते हैं। हमारी जो अगली ये जो लाइन है ये भी टाइप होके तैयार है। अब हमें एक कॉलम और तैयार करना है। अभी हम दो जो हैं टेक्स्ट लाइन और टाइप करेंगे, इस पर आपका बिल का नंबर होगा और दुकानदार का उसका ग्राहक का नाम होगा और तारीख होगी। चलिए टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं एक और। यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्रमांक और इस तरह से डॉट डॉट लगा लेंगे और स्पेस बटन दबाते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे दिनांक, डॉट डॉट लगाकर यहाँ पे टाइपिंग के लिए जगह बना लेंगे। एंटर बटन दबाकर
नई लाइन पर आ जाते हैं। थोड़ी जगह कम है तो इसको हम यहाँ से ऐसे पॉइंट पकड़कर नीचे खींच लेते हैं। अब यहाँ पे नाम टाइप कर लेते हैं, डॉट डॉट लगाकर अब इसे इस तरह से लगा लेंगे और कंट्रोल ए दबा के इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। होम टैब पर आकर कोकिला फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे और फॉन्ट साइज को बढ़ा लेंगे। बी बटन पे क्लिक करके इसे बोल्ड कर लेंगे। अभी हमारा जो मैटर है वो इधर उधर भाग रहा है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए दबा के सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर एक ऑप्शन मिल जाता है लाइन स्पेसिंग का, यहाँ आकर इसे आप रिमूव स्पेस कर लेंगे ताकि जो बीच का जो गैप है इन दोनों लाइनों में वो कम हो जाता है। थोड़ा और कम करने के लिए हम ऊपर 1.0 लगा लेते हैं तो और कम हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारी जो ये जो लाइन है ये तैयार हो जाती है। लेकिन अभी जो हमारा बॉक्स है वो इस आउटलाइन को हमारे जो रोज हैं उन्हें काट रहा है, तो इस पर क्लिक करें और इसे अंदर की तरफ ऐसे ड्रैग करें कुछ इस तरह से। इधर से भी कर लेते हैं। हमारे पास जो ये डॉट हैं ये थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, इन्हें कम कर लेते हैं ऐसे, और इसको मैं ऐसे अंदर करके इस तरह से लगा लेते हैं। अब हमें इसकी आउटलाइन को हटाना है तो बॉक्स पे क्लिक करें, फॉर्मेट टैब पर आकर शेप फिल पे आके नो फिल करें और शेप आउटलाइन पर आकर नो आउटलाइन करें। तो हमारा जो ऊपर का काम है वो पूरा हो चुका है। तो हम देखेंगे ऊपर का जो मैटर है वो बनकर तैयार है। अब स्क्रॉल बटन दबाते हुए पेज को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब हमें नीचे का काम करना है। अब इस वाली रो पे आ जाते हैं, इस पूरी रो को सिलेक्ट करेंगे और होम टैब पर आकर पैराग्राफ ब्लॉक पे आकर यहाँ पे आप इसे सेंटर अलाइनमेंट कर लेंगे ताकि जब भी हम कोई यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे वो बीचों बीच में आपको मिलेगा। और फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, मैं 18 ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो ठीक समझे वो ले सकते हैं। और यहाँ से बी बटन पे क्लिक करके बोल्ड कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे, आपने ज़्यादातर बिलों पे देखा होगा कि यहाँ पे पर्टिकुलर्स होता है, तो हम यहाँ पे हिंदी में विवरण लिख लेते हैं। दूसरे वाले बॉक्स में दर टाइप कर लेंगे, तीसरे वाले बॉक्स में संख्या कि कोई कितनी साड़ियाँ खरीद रहा है, और लास्ट वाले बॉक्स में कीमत कि एक साड़ी की कीमत कितनी है। अब जो हमने टाइप किया है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और कोकिला फॉन्ट को सेलेक्ट करके इसे फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं, कुछ इस तरह का हो गया। अब हमें इस वाली जो ये रो है इस वाली लाइन को पकड़कर इस तरह नीचे की तरफ खींचना है कुछ इस तरह से। फिर आपको ये जो विवरण वाला जो हमारा कॉलम है इसके थोड़ा हम साइज बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ से इस कॉलम की लाइन को पकड़कर इस तरह राइट साइड में ड्रैग करें, बाकी कॉलम को बराबर बराबर डिवाइड कर लीजिएगा आप इस तरह से। स्क्रॉल करते हुए थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। अब हम सबसे वाली जो नीचे वाली जो रो की लाइन है इसे पकड़ के नीचे को ऐसे ड्रैग कर लेते हैं कुछ इस तरह से। हमारा जो मैटर है वो दूसरे पेज पे भाग रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले वाले पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मार्जिन को इस तरह नीचे खींच के बढ़ा लेते हैं इस तरह।
अब हम इस ये जो सेकंड लास्ट वाली रो है इसको भी पकड़ के इस तरह नीचे खींच लेते हैं ऐसे करके, और इस वाली रो को ऐसे कम कर देते हैं कुछ इस तरह। इस वाली लाइन को पकड़ के भी नीचे खींच दीजिएगा ऐसे, और इसको इस तरह कम कर लेना ये। अब हमें क्या करना है, वापस से टेबल के अंदर क्लिक करेंगे और डिज़ाइन टैब पर आकर इरेजर को सिलेक्ट करेंगे और इस वाली लाइन को डिलीट करना है, इस वाली लाइन को भी हटा देंगे और सबसे नीचे वाली जो रो है इसमें जो हमारी ये जो तीन लाइनें हैं इन्हें भी हम हटा देंगे कुछ इस तरह। सब हमारा जो टेबल है वो तैयार है। अब हम इसके अंदर टाइप करेंगे, सबसे पहले बाहर क्लिक करके इरेजर को डिजेबल कर देते हैं अब यहाँ पे हमें बॉक्स के अंदर क्लिक करना है और टाइप करना है कुल कीमत, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं कुल कीमत। इसे सिलेक्ट करें, होम टैब पर आकर कोकिला फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेंगे और कंट्रोल ई दबा के सेंटर में कर लेते हैं और कंट्रोल बी दबा कर बोल्ड कर लेते हैं। अब हम सबसे लास्ट वाली रो पे टाइप करेंगे, तो आपने बिल पे देखा होगा कि सबसे नीचे जो है लिखा होता है हस्ताक्षर क्रेता और दूसरी साइड में लिखा होता है हस्ताक्षर विक्रेता, ताकि इधर वाले पे जो ख़रीदार है वो साइन करेगा और इधर वाले ऑप्शन पे दुकानदार है वो साइन करेगा, तो वो हम टाइप कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया हस्ताक्षर क्रेता और स्पेस बटन दबाते हुए हम इधर राइट साइड में आ जाते हैं। यहाँ हम लिख देंगे हा हस्ताक्षर विक्रेता, अब इसे सिलेक्ट करेंगे और होम टैब पर आकर कोकिला फॉन्ट को ले लेते हैं और साइड बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल बी दबा के बोल्ड कर लेंगे और स्पेस बटन की सहायता से इसे इस तरह यहाँ पे सेट कर लेते हैं, तो नीचे का जो हमारा मैटर है ये भी बन के तैयार है। तो कुछ इस तरह हमारा जो इनवॉइस है वो बनकर तैयार है। जूम आउट करके इसे देख लेते हैं, तो आप देखेंगे हमारा जो बिल है वो बनके तैयार है। तो इस तरह आप A5 साइज का इनवॉइस बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।